हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, प्लांट किंगडम। वी विल गोइंग टू डिस्कस एल्गी। एल्गी क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एल्गी। सो एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल कलर्ड ऑर्गेनिज्म होती है। तो एल्गी क्लोरोफिल बेयर करती है, दैट मीन्स ये फोटोसिंथेटिक होती है, मीन्स दे प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ एल्गी को हम कहते हैं थैलस। एल्गी आपकी थैलॉयड ऑर्गेनिज्म होती है। इसका मतलब होता है कि जो थैलॉयड होते हैं, दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू टू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो थैलॉयड ऑर्गेनिज्म में ना ही कोई टू रूट्स होती है बच्चों, ना स्टेम्स होते हैं और ना लीव्स होती है, ओके। तो अगर हम एल्गी के हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक होती है। लार्जली ये एक्वेटिक होते हैं, आपके फ्रेश वाटर और मरीन में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर जैसे कि आपके लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गए, ओके, एंड मरीन में सी हो गए। एंड अदर देन आपके एक्वेटिक, ये वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके मॉइस्ट सॉइल एंड फूड, ठीक है। एल्गी का एसोसिएशन देखा जाता है फंगी के साथ और एनिमल्स के साथ, जैसे स्लॉथ भी आता है, ठीक है। सो एल्गी हैव सिंबायोटिक एसोसिएशन विद फंगी, जिसको हम लाइकन्स कहते हैं। तो जो लाइकन्स होते हैं, ये बहुत अच्छे पॉलिनेशन इंडिकेटर्स होते हैं। लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन, स्पेशली आपके सल्फर डाइऑक्साइड, ओके बच्चों। अब एल्गी का एसोसिएशन स्लॉथ बेयर के साथ भी होता है। स्लॉथ के जो फर होते हैं, इनमें माइक्रो क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो क्रैक्स होते हैं ये मॉइस्चर को ट्रैप कर लेते हैं, एंड अगर मॉइस्चर है तो आपकी एल्गी यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, स्लॉथ बेयर के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है। एल्गी की जो साइजल फॉर्म्स होते हैं, इनमें भी वेरिएबिलिटी देखी गई है कि यूनिसेलुलर फॉर्म से लेकर आपके मैसिव प्लांट बॉडीज तक होते हैं। अगर मैं यूनिसेलुलर फॉर्म की बात करूँ तो क्लैमीडोमोनास होता है एग्जाम्पल्स का, कॉलोनियल फॉर्म आपके बल्बक्स हो गए, फिलामेंटस फॉर्म्स हो गए आपके लॉर्चेस एंड स्पाइरो गया, एंड मैसिव प्लांट बॉडीज आपके देखने को मिलती है मरीन फॉर्म्स जैसे कि कैल्प्स होते हैं। ये जो कैल्प्स होते हैं, ये एक्सटेंसिव अंडर वाटर फॉरेस्ट बनाते हैं, जिसे हम कैल्प स्प्रेड भी कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो जो वॉल्बक्स होते हैं, ये आपके जो एल्गल सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ एल्गल सेल मिलकर आपकी डॉटर कॉलोनी बनाते हैं, एंड डॉटर कॉलोनी मिलकर फिर आपके पेरेंट कॉलोनी बनाते हैं, ओके बच्चों। फिलामेंटस फॉर्म आपको इलास्टिक्स में देखने को मिलता है एंड स्पर्मोगाय। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन मेथड के जरिए होती है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड के जरिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेगमेंटेशन के जरिए होती है, जहाँ पे हर एक सेगमेंट जो होता है वो एक नए थैलस में डेवलप होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि जू स्पोर्स हो गए और ए प्लैनोस्पोर्स होते हैं। ए प्लैनोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये जो आपके जू स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं एंड फ्लैजेलेटेड होते हैं बच्चों। वहीं अगर आपके एप्लैनोस्पोर्स होते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं एंड ये नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं एंड नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है बच्चों, नॉन मोटाइल होते हैं। सो जो आपके जू स्पोर्स होते हैं, ये जर्मिनेट होके एक न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके दो गैमेट्स के बीच में जब फ्यूजन होता है तब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप्स के होते हैं, आपके आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। आइसोगैमस, आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, और गैमस होता है गैमेट। तो इसमें आइसोगैमस में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइसोगैमस में गैमेट्स आपके फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि इलोप्ट्रिक्स में, और आपके नॉन फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइरोगैमा में। अब बात करते हैं एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो डिससिमिलर साइज के होते हैं एंड ये आपको यूडोनिया में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें भी
आपके जो गैमेट होते हैं ये या तो फ्लैजेटेड होंगे या तो नॉन फ्लैजेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ओवम सेक्सुअल प्रोडक्शन। इसमें फ्यूजन होता है आपके लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट का स्मॉल एंड मोटाइल मेल गैमेट के साथ, और वो गैमेट जो है आपको वॉल्वस एंड फ्यूकस में देखने को मिलता है, ठीक है। याद करने का तरीका, इसमें ओवम में अगर मैं बताऊँ तो जो फीमेल गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है, मीन स्टैटिक होती है, ठीक है। मान लो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है इसकी, तो ये भाई चल नहीं पाती है, तो इसका जो साइज है वेट है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये लार्ज होती है। एंड हमारी जो मोटाइल मेल गैमेट है ये एकदम एक्टिव है, तो ये स्मॉलर है, स्मॉलर एंड मोटाइल गैमेट है। तो इन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होता है तो इस तरीके के फ्यूजन को हम कहते हैं ओवम सेक्सुअल प्रोडक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर हम डिस्कस करें तो एल्गी आपकी डिवाइड होती है थ्री मेन क्लासेस में, एंड दिस क्लासिफिकेशन बेसिकली बेस्ड होता है पिगमेंट्स के ऊपर एंड जो नेचर होता है फूड रिजल्ट का, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट एंड द नेचर ऑफ फूड रिजल्ट। इसके बेसिस पे आपकी एल्गी थ्री मेन क्लासेस में डिवाइड होती है, क्लोरोफाइसा जिसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, फेओफाइसा जिसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, एंड ओरोफाइसा जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं। अब वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लोरोफाइसा इसका कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, दिस इज अ कॉमन नेम। प्लांट बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल और फिलामेंटल। यूनिसेलुलर हमने बताया था क्लैमीडोमोनास हो गई, कॉलोनियल आपके वॉल्वॉक्स हो गए, फिलामेंटस आपके फिलोप्टिक्स और स्पायरोगायरा हो गए, ठीक है। इसमें जो आपके पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी की डोमिनेंस होती है, दैट्स व्हाई इसका जो कलर होता है वो ग्रास ग्रीन होता है। ये पिगमेंट आपके क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है डिफरेंट स्पेशीज में वेरी करती है, जैसे कि ये डिस्कॉइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पायरल या तो रिबन शेप। ये जो आप जो क्लैमीडोमोनास का डायग्राम देख रहे हैं इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है ये कप शेप की है बच्चों, दिस इज अ कप शेप, ओके। क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज बॉडीज होती है जिसे हम पायरीनोइड कहते हैं, क्या कहते हैं, पायरीनोइड कहते हैं, एंड ये पायरीनोइड आपके प्रोटीन और स्टार्च को कंटेन करते हैं, ठीक है। जो ग्रीन एल्गी होते हैं इनमें स्टोर आपकी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर होती है। ग्रीन एल्गी के सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये सेलुलोज और एक्टिन की बनी होती है, ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपके फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है यूजुअली, या तो ये आपके डिफरेंट स्पोर्स फॉर्म करते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके फ्लैजेलेटेड जूस पोर्स के जरिए होते हैं, और जो फ्लैजेलेटेड जूस पोर्स होते हैं वो जूस प्रांजिया में प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलती है, इसमें आपके आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ओगैमस तीनों तरीके की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे क्लैमीडोमोनास, वॉल्वॉक्स, लॉट्रिक्स, पायरोगायरा एंड चार। नेक्स्ट क्लास आती है आपकी फेओफाइसी की। फेओफाइसी में जो फेओफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉमन नेम ब्राउन एल्गी होता है, और ये प्राइमरीली आपके मरीन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें आपको इनके साइलेंट फॉर्म्स में भी वेरिएशन देखने को मिलता है, ये सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म जैसे एक्टोकार्पस से लेके आपकी प्रोफ्यूजली हाईली ब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे कि कैल्प्स होते हैं, ठीक है। कैल्प्स आपके 100 मीटर्स की हाइट तक भी हो सकते हैं। इसमें अगर मैं पिगमेंट्स की बात करूँ तो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड और ज़ेंथोफिल होते हैं, ठीक है। इसमें मेन पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथीन, जो कि ज़ेंथोफिल का टाइप ही होता है, जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड बिकॉज ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो ये एल्गी को ब्राउन कलर देता है। फूड इसमें इन द फॉर्म ऑफ लैमिनरी एंड मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें
सेल्स होती है, सेल्स हैव सेलुलोसिक वॉल, यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गी होती है। तो आपके अगर सेल वॉल पूछे कि ब्राउन एल्गी में क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, तो सेलुलोसिक होते हैं, सेलुलोज प्लस एल्गिन की बने होते हैं। प्रोटोप्लास्ट कंटेन करता है प्लास्टिड, असेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, प्लांट बॉडी मतलब जो थैलस होता है वो अटैच होता है सबस्ट्रेटम से बाय रूट लाइक पॉडोकास्ट के जरिए। इट हैज अ स्टॉक होता है जो कि स्टेम लाइक, जिसे हम स्टाइप कहते हैं, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे हम फ्रॉन्ट कहते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है बच्चों। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके बायफ्लेजुलर जूस्पोर्स के जरिए होता है जो कि पियर शेप का होता है, एंड इट हैज टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजुला होता है। ठीक है, ये पियर शेप का होता है बच्चों, एंड इसमें क्या होता है, वन आपका फ्लैजुला लार्जर होता है एंटीरियरली एंड पोस्टर वाला स्मॉलर होता है। ठीक है, अब अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस तीन ही रिप्रोडक्शन होते हैं। नेक्स्ट, ओगैमस स्पीशीज में जो गैमेट्स का यूनियन होता है इट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन ओगोनियम। ठीक है, या तो ओगोनियम में होता है गैमेट्स का यूनियन या तो वाटर में। जो गैमेट्स होते हैं ये पाइरी फॉर्म होते हैं, पियर शेप के होते हैं एंड बियर टू लिटरली अटैच फ्लैजुला। ओके बच्चों, अब आता है इनकी कॉमन फॉर्म्स क्या होते हैं ब्राउन एल्गी के, एक्टोकार्पस, डिक्टोएटा, आपके लेमिनेरिया, सर्गियासम एंड फ्यूकस। ये जो आपके फ्रॉन्ड होते हैं ये आपके लीफ लाइक होते हैं, स्टाइप आपके स्टेम लाइक होते हैं, एंड आपके जो होल्ड फास्ट होते हैं ये रूट लाइक होते हैं। दे आर नॉट ट्रू रूट स्टेम एंड। ओके, फ्यूकस में आपकी एयर ब्लैडर प्रेजेंट होती है जो कि इनको बायंसी प्रोवाइड करती है बच्चों। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास प्रोटोफाइटा की। प्रोटोफाइटा कॉमन नेम होता है रेड एल्गी। ठीक है, इसमें आपके रेड पिगमेंट प्रेजेंट होती है आर फाइकोएलेथ्रिन। कुछ आपके रेड एल्गी में फाइकोसायनिन भी प्रेजेंट होता है, फाइकोसायनिन भी प्रेजेंट होता है बच्चों, ये ब्लू पिगमेंट होता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आपकी मरीन होती है, कुछ स्पीशीज जो है फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मोस्टली ये मरीन होती है एंड इनका जो एंड ये आपके वार्म एरियाज में पाए जाते हैं। ओके बच्चों, ये वेल लाइटेड रीजन साथ ही साथ आपके ग्रेटर डेप्थ में भी देखने को मिलती है ओशियन में। रेड एल्गी का जो थैलस होता है, थैलाई होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है एंड इनकी जो इनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखी गई है। ठीक है, अगर हम फूड की बात करें तो इसमें एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च ये फूड स्टोर होता है इसमें। ठीक है, रेड एल्गी की अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होती है बाय फ्रेगमेंटेशन के जरिए, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है एंड नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस करती है, सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स के जरिए होती है। ठीक है, रेड एल्गी में ये याद रखना है कि रेड एल्गी की लाइफ साइकिल में कभी भी मोटाइल सेल प्रोड्यूस नहीं होती है। ओके बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ओगैमस टाइप का होता है एंड इट इज अकम्पलीट बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है, बिकॉज इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं सो जो मेल गैमेट्स होते हैं आपके वो पैसिवली वाटर करंट के हेल्प के वाटर करंट के जरिए आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक रीच करती है एंड उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है एंड इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखा जाता है जो कि बाकी किसी एल्गी में आपको देखने को नहीं मिलता है। कॉमन मेंबर्स होते हैं पॉलीसिफोनिया, पॉर्फायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम। ठीक है बच्चों, पॉर्फायरा, ये जो पॉर्फायरा है ये शीट लाइक होती है, दे आर शीट लाइक फॉर्म होते हैं। पॉलीसिफोनिया ब्रांच होते हैं, ये ब्रांच होते हैं। अगर हम इस टेबल को समझे तो आई होप अब हम समझ पाएंगे कि क्लोरोफाइसिया का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। फूड्स में एज अ स्टार्च
स्टोर होता है, सेल वॉल, सेलुलोज और आपकी पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, फ्लैजुला नंबर कितना होता है? फ्लैजुला का अगर नंबर देखा जाए 2 to 8 हो सकता है, मतलब आपके दो फ्लैजुला भी प्रेजेंट होते हैं, हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ये इक्वल होते हैं ये, एंड ये एपाइकल होते हैं, मतलब ये एपिक्स से ऑरिजिनेट करते हैं। हैबिटेट कैसा है इनका? फ्रेश वाटर, जैसे आपके पॉन्ड्स लेक हो गए, ब्रैकिश वाटर में होता है, एंड सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर जैसे आपके सी हो गए। ब्रैकिश वाटर बच्चों क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। ठीक है, आपके फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर को मिला के तो ब्रैकिश वाटर होता है। ठीक है, फेयोफाइसिया क्या होता है? फेयोफाइसिया का कॉमन नेम ब्राउन एल्गी होता है बच्चों। ठीक है, इसमें मेजर पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजिंथिन होता है, जो कि टाइप होता है जेंथोफिल का ही, एंड इट इज अ लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर में एल्गी। ओके, इसमें फूड जो होता है वो स्टोर होता है एज मैनिटोल एंड लैमिनरिन के फॉर्म में, सेल वॉल सेलुलोज और एल्गिन की बनी होती है। फ्लेजर नंबर 2 होता है, अनइक्वल और लेटरली अटैच्ड होते हैं, ये रेयरली ही फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एंड ब्रैकिश वाटर में होते हैं, सॉल्ट वाटर में होते हैं। रोडोफाइसिया की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन नेम रेडलगी होता है, इनमें क्लोरोफिल ए ग्रीन एंड फाइटोएरेथ्रिन होता है, दिस इज आर रेड पिगमेंट। ओके, स्पॉन्सर द रेड कलर देता है, एंड इसमें जो स्टोर फूड होता है वो एज क्लोरीडियम स्टार्च ये स्टोर होता है, सेल वॉल इसकी सेलुलोज पेक्टिन और आपकी पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी होती है। फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, जिसे मैंने बताया रेड एल्गी की लाइफ साइकिल में कभी भी मोटाइल सेल प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। आपके जो रेड एल्गी होते हैं, कुछ रेड एल्गी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली आपके ये सी सॉल्ट वाटर मरीन वाटर, जैसा मरीन कहते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं। ठीक है, और या तो ब्रैकिश होते हैं। ओके, तो ऐसे याद करो, अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो जो आपके ग्रीन एल्गी होते हैं ये फ्रेश वाटर में ज्यादातर पाए जाएंगे, और जो आपके ब्राउन एल्गी और आपके जो रेड एल्गी होते हैं ये मरीन होते हैं। ठीक है, यहीं पे हम रिवाइज कर लें कि जो आपके सेक्सुअल प्रोडक्शन आपके ग्रीन एल्गी में, बताइए किस तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ग्रीन एल्गी में अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ बच्चों, तो इसमें आपके आइसोगैमस भी होता है, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस भी होता है, ओ गैमस भी होता है। ठीक है, सेम आपके ब्राउन एल्गी में भी आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओ गैमस होता है, बस आपके रोडोफाइसा है जिसपे आपके ओ गैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी? एल्गी हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, वो एल्गी करती है। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है अर्थ में, वो एल्गी के द्वारा किया जाता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमें CO2 चाहिए होता है। सो एल्गी का काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करना, एंड बीइंग अ फोटोसिंथेटिक एल्गी आपके डिजोल्व ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है वो बढ़ा देता है आपके एनवायरमेंट पे। रेड जो आपके एल्गी होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स की, एंड इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ पॉर्पोरा लैमिनेरा एंड सर्गियम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। जो कि पॉर्पोरा लैमिनेरा सर्गियम होते हैं, इसे हम एज अ फूड यूज करते हैं। जो ट्रेडिशनल डिश होती है, जापान हो गए या ईस्टर्न एशियन कंट्री जो होती है, जैसे कि जापान की बात करें, उसमें उनकी ट्रेडिशनल फूड होती है सुशी। तो ये आप बच्चों देख रहे हो, ये जो शीट है, ब्लैक शीट, जो ड्राई शीट दिख रही है, ये पॉर्पोरा की बनी होती है, जिसको जापान में नूरी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉर्पोरा का होता है, इसका यूज किया जाता है आपके सुशी बनाने में, इसे नूरी एज अ नूरी यूज किया जाता है। ठीक है, एंड आपके लैमिनरी सार्गेसम, इनको ड्राइड या तो फ्रेश खाया जाता है आपके साउथ कोरिया में। ठीक है, या लैमिनरी की जेली जेली भी ये यूज करते हैं। रेड जैसे पॉर्फायरा होता है, पॉर्फायरा आपका रेड एल्गी होता है बच्चों। ठीक है, जो आपके रेड एल्गी होते हैं ना, ये रिच इन विटामिन होते हैं, इसमें विटामिन ए एंड सी काफी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, एंड मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो आपके ब्राउन एंड जो रेड एल्गीज होते हैं ये हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलाइड क्या होते हैं बच्चों? ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिसका कमर्शियली भी यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको ब्राउन एल्गी की बात करूँ तो ब्राउन एल्गी में एल्गीन होता है। एल्गीन इज अ पॉलीसेकेराइड होता है जिसे हार्वेस्ट किया जाता है आपके कैल्स जैसे कि मैक्रोसिस्टिस से। ठीक है, एल्गिन का यूज किया जाता है एज अ थिकनिंग और स्टेबलाइजिंग एजेंट जैसे कि आइसक्रीम में, टूथपेस्ट में, हैंड लोशन हो गए, ठीक है, आपके हेयर स्प्रे में एंड इवन शेविंग क्रीम में भी एल्गिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका कैरागिन है। कैरागिन जो है ये आपके रेड एल्गी होते हैं, ये भी एक पॉलीसेक्रेड होते हैं जिन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेड एल्गी से, सर्टेन रेड एल्गी से, एंड इसका यूज किया जाता है स्टेबलाइजिंग पर्पस के लिए। ये भी स्टेबलाइज करता है जैसे कि क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक में भी इसका यूज होता है। इसका यूज अगर फूड एडिटिव होता है, इट इज यूज टू स्टेबलाइज चॉकलेट मिल्क एंड इवन ये प्रोवाइड करता है आपके क्रीमी टेक्सचर टू आइसक्रीम एंड अदर सॉफ्ट प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, तो कैरागेन का जो यूज है एज अ फूड एडिटिव स्टेबलाइज करने के लिए या तो आपके पेंट्स एंड कॉस्मेटिक में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका अगार। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको जेलिडियम और ग्रैसिलेरिया से ऑप्टेन किया जाता है। अगार इज ऑल्सो अ पॉलीसेक्रेट। ठीक है, अगार का काम एज अ फूड थिकनर या तो कल्चर मीडियम के लिए यूज होता है। कल्चर मीडिया की अगर मैं बताऊँ तो इट इज यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। एंड फूड थिकनर में एज अ यूज किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ओके बच्चों, अब आपका एक होता है क्लोरेला। ये यूनिसेलुलर एल्गा एल्गा होता है एंड इट इज रिच इन प्रोटीन। ये काफी प्रोटीनेशियस होता है। इसे एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है बाय स्पेस ट्रैवलर। ठीक है, क्लोरेला को स्पेस रिसर्च में भी यूज किया जाता है क्योंकि ये आपके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। एक और नाम है स्पायरोलिना का जो कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन था। स्पायरोलिना भी स्पेस ट्रैवलर के जरिए यूज किया जाता है बिकॉज इट इज ऑल्सो रिच इन प्रोटीन्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी इन कॉमेंट। थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।